नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड जाने की कुछ टिप्स, यानी अगर आप थाईलैंड जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ट्रिप में कोई असुविधा नहीं होगी। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ ले जानी है, तो मैं एक एक करके उन सब चीज़ों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले है करेंसी एक्सचेंज, यानी थाईलैंड में आपको ज़्यादातर जगह आपको थाई करेंसी में ही पेमेंट करनी होती है। एयरपोर्ट में आपके वीज़ा ऑन अराइवल से लेके आपको खाना है सारी चीज़, तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपने साथ थाई करेंसी लेके जाएं। तो आप जाने से पहले जो थाई भट है, थाई करेंसी है, उसको एक्सचेंज करा लें रुपये से। आप इंडिया में कहीं पे भी एयरपोर्ट पे या फिर बैंक जाकर करेंसी एक्सचेंज करा लें और अपने साथ करेंसी ले जाएं, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन चार्ज ज़्यादा लग जाएंगे। तो जाने से पहले सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करा लें और जो रुपीज़ को अपने पास अच्छा खासा जो थाई करेंसी थाई बट उसको साथ में रखें। दूसरा सवाल जो ज़्यादातर लोगों का होता है, क्या हम अपने डेबिट कार्ड से थाईलैंड के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है आप निकाल सकते, लेकिन आप थाईलैंड जाने से पहले अपने बैंक को बता दें कि आप थाईलैंड जा रहे हैं और वहाँ से आप पैसे निकालें। तो आपके ज़्यादातर आजकल जो डेबिट कार्ड्स हैं सब में इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल जो विड्रॉल होती है वो एक्टिवेटेड रहती है, लेकिन फिर भी आप बैंक को बता के जाएं, और कई केसेस में बैंक बाय डिफ़ॉल्ट बंद भी कर देते हैं फ्रॉड के चक्कर में। तो आप बैंक को बता के जाएंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी। और लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कम से कम वहां पे एटीएम विड्रॉल करें, क्योंकि आप हर बार में आपके 250 से 300 रुपये कटेंगे। एक ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्ज, जिसके पैसे आपको वहां के बैंक को भी देने होते हैं और अपने बैंक को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेके जाएं और कम से कम कोशिश करें कि आपको विड्रॉल करना पड़े। और एटीएम आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके होटल के आसपास एटीएम कैश निकालने की सुविधा रहती है, और अगर कैश आप निकालें भी तो एक बार में निकाल लें, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, बार बार एटीएम पैसे निकालने ना जाएं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको अपने साथ ले जानी पड़ेगी वो है यूनिवर्सल अडेप्टर दोस्तों, क्योंकि आपका मोबाइल आपकी लाइफ लाइन है, मोबाइल की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए आपका जो अपना इंडिया का हमारा जो चार्जर होता है वो वहाँ पर काम नहीं आ सकता, क्योंकि हर देश में जो बिजली के स्विच होते हैं उनकी साइज़ या उनकी अलग अलग होती है। तो आप जाने से पहले एक यूनिवर्सल एडेप्टर आता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये अलग साइज का होता है, तो ये हर टाइप के स्विच में लग जाता है। इसमें आपका जो मोबाइल का चार्जर है वो लग जाएगा, इसको आप बिजली के प्लग में लगा सकते हैं। तो इसको अपने साथ ले जाने से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और कहीं पर भी आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये इंडिया में जाने से पहले खरीद लें, ये लगभग आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आपको ये यूनिवर्सल चार्जर मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप थाईलैंड में पहुंचेंगे एक और चीज़ की तुरंत आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है थाईलैंड का सिम कार्ड। आपका इंडिया का जो सिम कार्ड है वो थाईलैंड में जाके काम नहीं करेगा, तो आपको वहाँ पर थाईलैंड का सिम कार्ड खरीदना है। कैसे खरीदना है? थाईलैंड में ये सिम कार्ड एक शॉप होती है 7-Eleven शॉप, वहाँ पर ये एयरपोर्ट पर भी बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी और एयरपोर्ट के बाहर भी मिल जाएंगी। आप जहाँ जिस सिटी में घूमने जा रहे हैं, बैंकॉक पटाया या बीच के पास पर भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी दुकान में चले जाइए, वहाँ पे 7-Eleven शॉप देख लीजिए आसपास एरिया में, वहाँ पे एक थाई सिम ले लीजिए। उस सिम को आप अपने मोबाइल में डालेंगे, ये एक्टिवेटेड होती है, उसी टाइम वो एक्टिवेट करके आपको सिम कार्ड दे सकते, और कुछ मैं आपको प्री बैलेंस भी मिलेगा। और उसके अलावा कभी भी आपको इसमें रिचार्ज करना हो तो आप किसी भी 7-Eleven शॉप में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना नंबर बताएंगे, तो नंबर करने के लिए कितने का आपको रिचार्ज करना है वो बताएंगे उसको, तो वो प्रिंट आउट देगा, प्रिंट आउट में एक कोड लिखा होगा, वो कोड डायल करके आपका फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा। तो एक बार रिचार्ज होने के बाद आप इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स उस सिम से कर सकते हैं। इस सिम की वैलिडिटी केवल उतने ही दिन तक होती है जितने दिन का आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अगर आप 15 दिन तक, तो 15 दिन की सिम की वैलिडिटी रहेगी और वापस जाते टाइम आपको इस सिम को एयरपोर्ट में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों थाईलैंड पहुँचते ही जो अगली चीज़ आती है थाई फूड। थाईलैंड में क्या मिलता है खाने में? क्या दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वहाँ पर लाइफ आसान है, नॉन वेजिटेरियन खाना हर जगह ईजीली अवेलेबल है। तो आप नॉन वेजिटेरियन में हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे किसी भी शॉप पे, अगर आप वहाँ पे अगर आप बोलते हो आपको मीट खाना, मीट मतलब वहाँ पे
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे पॉक सी फूड वगैरह वगैरह, तो आपको स्पेशली उन्हें बताना पड़ेगा कि आप चिकन, तो आपको वो चिकन की ही डिश देंगे। तो चिकन की वहाँ पे बहुत सारी डिश होती हैं, तो आप बहुत आसानी से आपको नॉनवेज खाना मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे और उनके खाने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो आप वहाँ पर जो नॉनवेज एकदम धीरे धीरे शुरू करें, यानी कि आप पहले दिन जिस दिन गए हैं तो वहाँ पर उस दिन हल्का सूप लें या हल्का सा लाइट खाना लें, जिससे आपका स्टोमक और सही रहेगा और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो धीरे धीरे जैसे ही आप एक्लेमेटाइज होते हैं, दूसरे तीसरे दिन आप वहाँ का खाना, रेगुलर खाना खा सकते हैं और अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो वहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता और अच्छा मिलता है, तो आप स्ट्रीट फूड ले सकते हैं, स्ट्रीट फूड खा। वेजिटेरियन खाना भी मिलता है, तो आप वेजिटेरियन, लेकिन कम मिलेगा, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा ये आपको खाना है। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में थाईलैंड में बियर सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक है। थाईलैंड में चैंग ब्रांड की बियर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत आसानी से ये अवेलेबल रहती है। और इंडिया जैसे थाईलैंड में सिर्फ 500 ml और 350 ml की आपको बियर मिलेगी, जैसे अपने इंडिया में बियर मतलब 750 ml की बियर मिलती है। और नॉर्मली आपको, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, बड़े रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर 100 बात की आपको मिलेगी, और कहीं बाहर आप लेंगे तो 60 से 70 बात की आपको एक बियर मिल जाएगी, जो कि 500 ml की होगी, यानी आपको आपको 120-130 रुपये में एक बियर की बोतल मिल जाएगी। उसके अलावा आप वहाँ पर ड्रिंक्स में जैसे कि कोकोनट शेक, कोकोनट वाटर, ये सब वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है दोस्तों, कि कैसे कपड़े पहनना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कॉटन की हल्की टी शर्ट्स पहनें, और आप बहुत ज़्यादा कपड़े अपने साथ इंडिया से ना लाएं, क्योंकि वहाँ पे जो टी शर्ट्स होती हैं बहुत सस्ती मिलती हैं, आपको 400 रुपये में बहुत अच्छी टी शर्ट मिल जाएंगी। और आप अपने साथ थाईलैंड की कुछ मेमोरीज भी ले जाना चाहेंगे, क्योंकि जो फ़ोटो खींचेंगे वो उन्हीं टी शर्ट में आएंगी। और वहाँ पर लॉन्ड्री भी बहुत सस्ती है, हर जगह कहीं पे भी आप कपड़े देंगे आपके तो बहुत जल्दी धुल जाते हैं। तो आप कम से कम कपड़े इंडिया से लाएं और कॉटन की वहाँ पर से टी शर्ट खरीद लें। उसके अलावा जीन्स और आप शूज दिन भर वहाँ पर नहीं पहन पाए, क्योंकि वहाँ का मौसम इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ी सी उमस रहती है मौसम में, ह्यूमिडिटी रहती है, जिससे कि आपको दिन भर पसीना आता रहेगा। तो आप टी शर्ट्स पहने, फ्लोटर्स लें, और नीचे नेकर या आप पैंट्स पहन सकते हैं, जिससे कि आपका दिन अच्छा जाएगा, और हल्के कपड़े पहन सकते हैं। जीन्स बिल्कुल ना पहने, कम से कम पहने, और शूज भी आप अवॉइड करें। अगली जो चीज़ आती है दोस्तों थाईलैंड में, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बाइक्स मिल जाएंगी रेंट पे। बाइक का किराया उसकी सीसी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा सीसी मतलब ज़्यादा किराया, तो आपको नॉर्मली एक बाइक 200 थाई बाट पे मिल जाएगी। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो डिस्काउंट्स के लिए कहिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो बाइक आपको रेंट पे लेने के लिए पासपोर्ट जमा करना होगा, अगर आप ग्रुप में हैं तो किसी एक आदमी का पासपोर्ट चल जाएगा, उसका पासपोर्ट जमा होगा। और बाइक रेंट पे लेने से पहले बाइक पे सारा चेक कर लें, लाइट चल रही है नहीं चल रही है, उस पर स्क्रैच है नहीं है, तो सारे फोटोग्राफ्स आप ले लें प्रूफ के लिए, अपने पास रख लें, स्क्रैच देख लें, हेडलाइट देख लें, और सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स अपने पास रख लें। तो बाइक के अलावा दूसरा वहाँ पे आपको जो वाटर टैक्सी होती है वो भी मिलती है, अगर आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी जो सिटी के जो साइट सीइंग की जगह है वो नदी के किनारे आसपास जाते हैं, तो आप वाटर टैक्सी ले सकते हैं। उसका दिन भर का किराया भी होता है और आप जितनी जगह जाएंगे उस हिसाब से वो कटता रहेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं। थाईलैंड में थाई मसाज बहुत फेमस है, जो कि आप सबको पता है, तो इसमें आप बेवकूफ़ बनने से बचें। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके आसपास कुछ एजेंट्स मिलेंगे, जैसे कि बार में आप शाम को घूम रहे हैं या फिर बीच में, कि जो आपको कहेंगे मसाज के लिए या फिर आपको ले जाएंगे। आप उनसे बचिए, उनसे मसाज के लिए हाँ ना कहिए। आपको अगर मसाज लेनी है तो किसी प्रोफेशनल जगह पर जाके मसाज लें, प्रॉपर पार्लर में लें। अगर आप 1 घंटे की मसाज लेते हैं, ऑयल मसाज लेते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 300 से 500 थाई बात के बीच में आएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो घूमते रहते हैं सिटी में हर जगह, और आप उनके चंगुल में ना आए, और सीधे प्रोफेशनल प्लेस में या किसी प्रॉपर जगह पे जाके ही खुद बात करें, खुद हैंडल करें, उससे मसाज लें।
एक और आखिरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके पास कोई अंडर वाटर कैमरा है जैसे कि गोप्रो या मोबाइल फ़ोन जो वाटर प्रूफ है, तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। थाईलैंड में वहाँ पे बीचेज हैं और आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो आप अंडर वाटर जा सकते हैं। तो अंडर वाटर जाने पे आप स्नोकलिंग कर सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफ्स वीडियोज आप ला सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज आएंगी। तो ये कैमरा अगर आप जाने से पहले अरेंज कर लें, अपने किसी दोस्त से ले लें। यूजुअली गोप्रो थोड़ा महंगा होता है और हर कोई नहीं रखता है, तो आप दोस्त से ले सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन अरेंज कर सकते हैं, तो ज़रूर लेके जाए अंडर वाटर। और अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग वालों के लिए वहाँ पर स्नोकलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप एक अपने साथ एक छोटा वाटर प्रूफ बैग जरूर ले जाएँ। इस बैग पे आप अपना पर्स, छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो मैंने वीडियो में बताया, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछनी पड़ेंगी और जाके आप सीधे चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपका समय बचेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा।